दोस्तों आज हम बात करेंगे Redmi 7 और Redmi Y 3 में MIUI 12 के अपडेट के बारे में। जहां दोस्तों तो फाइनली मैंने इन दोनों डिवाइस के लिए एक MIUI 12 का जो अपडेट है उसे TWRP के थ्रू इंस्टॉल कर लिया है। तो आज की वीडियो में आप सभी को Redmi Y 3 या फिर Redmi 7 इन दोनों डिवाइस में जो कहो आप इन दोनों डिवाइस के लिए MIUI 12 का अपडेट का रिव्यू लेके आया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड हमेशा वीडियो लेके आता रहूँगा इसी तरह से रिव्यू। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और आप सब लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना है कि ये MIUI 12 कैसा है Redmi 7 के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये Redmi 7 डिवाइस के लिए जो MIUI 12 का जो अपडेट है ये चाइना में अभी रोल आउट किया गया है। तो इसका रिकवरी लिंक के थ्रू मैंने इसे डाउनलोड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये होम स्क्रीन आप सभी को वैसा का वैसा ही देखने को मिलेगा जो हर डिवाइस में देखने को मिलता है, पर ये होम स्क्रीन आप सभी को जो वॉलपेपर है वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सेटिंग में आने के बाद माय डिवाइस में आने के बाद आप सभी लोग स्टोरेज में देख सकते हो स्टोरेज का जो लुक है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो माय डिवाइस का जो होम है वो आपसे मतलब पहले के मुकाबले से बहुत ज़्यादा अलग है। उसके बाद दोस्तों अलग सेटिंग की बात करें दोस्तों तो नए सिम कार्ड का जो सेटिंग है उसमें क्या नया देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, वही सेम है। चाइना में हो सके तो थोड़े मोड़े नए फीचर्स जो हैं आप सभी को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों वही है, बस इसका जो देखने का जो लुक है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पर MIUI 12 ये आप सभी को MIUI 11 से थोड़ा फास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालाँकि Redmi 7 डिवाइस ये थोड़ा बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, जिसके वजह से इस डिवाइस में इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डाउन किया गया है। उसके बाद दोस्तों डार्क मोड का ऑप्शन देखें तो आप सभी को लाइट मोड और डार्क मोड दोनों देखने को मिलता है यहाँ पर। शेड्यूल डार्क मोड भी देखने को मिलता है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों ब्राइटनेस लेवल भी आप लोग देख सकते हो, इसका जो देखने का लुक है वो अलग कर दिया गया है। उसके बाद कलर अपने हिसाब से अपने डिस्प्ले का चेंज कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में देख के पता कर सकते हो। उसके बाद अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने डिस्प्ले के कलर को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाने के बाद आप सभी को फ्रंट अगर देखा जाए तो फ्रंट में आप लोग बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपने डिस्प्ले का जो टेक्स्ट साइज है उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सेंटर मोड, जी हाँ दोस्तों इसमें आप सभी को नया देखने को मिलेगा जो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं। तो आप लोग को मैं कंट्रोल सेंटर भी दिखा देता हूँ, वो कंट्रोल सेंटर देखने में कैसा है। उस बैटरी का जो आइकन है वो थोड़ा चेंज किया गया है, देख सकते हो ये नया कंट्रोल सेंटर है और पहले के मुकाबले से थोड़ा इंक्रीज किया गया है। उसके बाद यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, अगर आप राइट साइड से नीचे डाउन करते हो तो आप सभी को कंट्रोल सेंटर मिलेगा, लेफ्ट साइड से करोगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन पैनल बार में देखने को मिलेगा। उसका दोस्तों आप लोग फुल स्क्रीन मोड का भी ऑप्शन यूज करके अपने डिवाइस में फुल स्क्रीन का एंजॉय ले सकते हो। उसका दोस्तों आप अपने हिसाब से फुल स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, तो आप सभी को वही नोटिफिकेशन सेम देखने को मिलता है। उसका साउंड में जाते तो साउंड का जो लेआउट है उसे चेंज कर दिया गया है, आप लोग वाइब्रेट फॉर कॉल भी कर सकते हो, मतलब सेम ही फीचर से कुछ जो हैं चाइना में अलग दिया गया है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में देखें तो डायल पैड टोन, मतलब जो आपके डिवाइस में ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट फीचर्स जो है नोटिफिकेशन, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन पर आते हैं तो दोस्तों आप सभी को होम स्क्रीन का जो पैनल है वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि होम स्क्रीन में आप सभी को बहुत सारे जो है नए फीचर्स दिए गए हैं। पासवर्ड और सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, इसका जो लेआउट है देखने का नज़रिया है वो अलग कर दिया गया है पहले के मुकाबले से, और इसका जो पासवर्ड है इसका जो सिक्योरिटी है उसे थोड़ा पहले से ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। उसका दोस्तों ये स्टार्ट एंड मैनेजर में जाते हैं तो आपको बहुत सारे नए चीज़ देखने को मिलते हैं। उसका बैटरी का जो लेआउट है उसे बहुत ही ज़्यादा अलग कर दिया गया है पहले के मुकाबले से, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो बैटरी यूसेज को,
जहाँ दोस्तों उसका दोस्तों एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आप सभी को वही सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आप सभी को Xiaomi के हर डिवाइस में देखने को मिलता है। डेवलपर ऑप्शन, OTA मोड, एक्सेलिबिलिटी, मतलब जो फीचर्स दिए जाते हैं एडिशनल में वही सब आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है। अदरवाइज नया कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इंडियन और चाइनीज रोम में। उसका दोस्त बटन एंड शॉर्टकट में भी आप सभी को वही फीचर्स देखने को मिलते हैं। नोटिफिकेशन लाइट में आप लोगों को ब्लिंक और नोटिफिकेशन लाइट दोनों ही देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर डेवलपर ऑप्शन में वही सेम फीचर्स हैं, यहां पर कोई भी नया चीज़ देखने को नहीं मिलता है। बस आप सभी को डेवलपर में थोड़े मोड़े जो चेंजेस हैं वो दिए गए हैं, तो आप सभी लोग अगर कहोगे तो आप सभी के लिए मैं डेवलपर मोड के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों डेवलपर मोड में बस अपने डिवाइस को थोड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो डेवलपर मोड से, और कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है डेवलपर मोड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर OTG अनेबल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बैक जाने के बाद इंटरप्राइज मोड में आप सभी लोग अपने हिसाब से कर सकते हो उसे। उसका दोस्तों स्पेशल फीचर्स में गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स और भी कई सारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे आप सभी को। आप लोग देख सकते हो ये जो गेम टर्बो है इसका जो लुक है वो चेंज एकदम कर दिया गया है पहले के मुकाबले से। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसका वीडियो टूल बॉक्स आप सभी को देखने को मिलता है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से चाइनीज वेरियंट MIUI 12 में। उसके बाद टैप प्लस फ्लोटिंग विंडो भी यहां पर देखने को मिलता है Xiaomi की तरफ से। ये Xiaomi का एक नया फीचर्स है MIUI 12 में सभी डिवाइस में देखने को मिला है। सेकंड स्पेस भी देखने को मिलता है, टैप प्लस भी देखने को मिलता है। मतलब ये जो फीचर्स हैं आप सभी को चाइनीज रोम में ही देखने को मिलेगा टैप प्लस, अदरवाइज इंडियन वर्जन में आप सभी को नहीं है ये फीचर्स। कीड स्पेस भी है, MIUI लैब भी है, ये सब मतलब आप सभी को चाइनीज रोम में ही देखने को मिलेगा, चाइना में ही देखने को मिलेगा। आप सभी को हमने कहा था कि ये जो फीचर्स है ये सभी आप लोग चाइना में ही देखने को मिल सकता है। उसके बाद लाइट मोड भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लाइट मोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मतलब ये जो फीचर्स हैं जितने भी एडिशनल फीचर्स में आप सभी को देखने को मिला ये सभी आप लोग चाइना में ही देखने को मिलेंगे, जो आप सभी को इंडिया और ग्लोबल में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैं होम स्क्रीन पर आ गया। होम स्क्रीन पर आने के बाद जो इसका रिसेंट टैब बार मेन्यू ये जो है उसी तरह अभी तक सेम है, जो रिसेंट टैब है ये पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं आया है। और मैं कंट्रोल सेंटर को अब बंद कर देने के बाद हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो अब इस प्रकार का दिखता है। तो दोस्तों अगर छोटा सा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।